अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट महर अली और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़ सियालकोट। नाज़रीन, आज मेरे साथ सियालकोट की बहुत ही प्यारी शख्सियत और सियासी और समाजी शख्सियत अवैस घुम्मन साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आवाम को वो क्या मैसेज देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सर आप क्या कहेंगे आवाम को? वालेकुम सलाम, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ महर अली साहब का कि आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, और आवाम को जो है ना आप बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए इन संगीन हालात में। मैं देखने वालों को सभी को एक पैगाम देना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो आपके लिए इकदाम किए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी जान के लिए, कि आप अपने अपने घरों में रहें। ये जो सोशल मीडिया के वर्कर हैं या जो मीडिया के काम कर रहे हैं या जो वो पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, डॉक्टर हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर आपके लिए जो दिन पे रात वर्क कर रहे हैं, खुदारा अपने घरों में रहिए। आपकी सेफ्टी के लिए कुछ दिन की बात है, अपने आप को सेफ रखें और हुकूमत ने जो आपके लिए जो तदाबीर की हैं उन पर अमल करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपका अवैस घुम्मन सियालकोटी आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोशिश करें अपने इर्द गिर्द अपने गली मोहल्ले में ख्याल रखें, जो आपके गरीब दोस्त हैं, जो गरीब आपके गली मोहल्ले में रहने वाले, उनके खाने का, उनके राशन का ख्याल करें। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि मैं जो ना खाने का, राशन का जो इंतज़ाम किया हुआ था वो आप सबसे, जितने सियालकोट में रहने वाले हैं या डस्का वज़ीराबाद सियालकोट से, उन सबको मैं जितना पहुँच सकता हूँ मैं पहुँच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और कोशिश करें कि अपने अपने घरों में रहें और इस सेफ्टी को जो है ना, अपनी सेहत को, अपनी जान की हिफाजत करें, सेफ्टी को जो यकीनी बनाएं जो हुकूमत ने आपके फ़ायदे के लिए जो किया हुआ। जी सर जी, जैसे देखा आपने, नाज़रीन घुम्मन साहब ने बोला है कि अपनी सेफ्टी के लिए अपने घर में रहें और अपने बच्चों की इत्याद करें, बच्चों के साथ अपने घर में रहें। नाज़रीन अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज़िंदगी एक बार मिलती है दोबारा नहीं मिलती। कैमरामैन हमाशा के साथ महर अली, इंटरनेशनल न्यूज़ सियालकोट।